नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 2021 का करंट अफेयर्स है। इसका मैं एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था पहले, और जो बचा हुआ है मैं बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करूंगा। जो आज मुझे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगा है, ये देखिए, करंट अफेयर्स परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। जो सोचा एक वीडियो बना करके आपको इसके बारे में बता दूँ, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या क्या है। करंट अफेयर्स परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया है। पायलट पे जल सर्वेक्षण क्या है? तो हाल ही में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण 10 शहरों आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चारुमुदरई, पटियाला, रोहतक, सूत, सूरत एवं तुमकुर में किया गया है। अगला है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों जैसे स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण एवं अन्य IoT एक्सेस उपकरणों के निर्माण हेतु कितने रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की गई है? तो 12,195 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े 126 फीट ऊंचे शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा कहाँ की गई है? तो उसका उत्तर है 25 फरवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा असम के नौगांव स्थित महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अगला है दोस्तों, हाल ही में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो विजय सांपला जी को अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, नमो कार्गो सेवा का संबंध भारत के किस राज्य से? तो कर्नाटक से है। भारत के किस नेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड हेतु चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को चुना गया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा जनवरी 2021 में किस भारतीय शहर के लिए जल विद्युत वितरण के आधुनिकीकरण के लिए $100 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया? तो बेंगलुरु। अगला देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई? तो राजकोट। भारत की पहली एयर टैक्सी किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? चंडीगढ़ एवं हिसार में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की प्रथम ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 28 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दूरसंचार विभाग हेतु स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी प्रदान की गई। इस स्पेक्ट्रम की वैधता कितने वर्ष निर्धारित की गई? तो 20 वर्षों के लिए। अगला, जनवरी 2021 में ऐतिहासिक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते की पहली वर्षगांठ कहां मनाई गई? तो 24 जनवरी 2021 को ऐतिहासिक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझौते की पहली वर्षगांठ असम के कोकराझार में मनाई गई, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की थी। लौहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? लौहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू एवं शिमला जिले में सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। इस परियोजना द्वारा प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन होने की उम्मीद है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कांग्रेस पार्टी विश्वास मत परीक्षण के दौरान पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाई, जिसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अगला क्या है, सघन इंद्रधनुष 3.0 क्या है? इसको पलट, चलिए आगे देखते हैं क्या है दोस्तों इसका आंसर। इसका ये देखिए, सघन इंद्रधनुष 3.0 क्या है? तो हाल ही में COVID-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से छूट गए बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को कवर करने हेतु तो सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया गया है। अगला है, बस 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन था? भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चीन भारत का शीर्ष एवं व्यापक भागीदार देश रहा, इसके बाद अमेरिका एवं UAE रहे हैं। गो इलेक्ट्रिक अभियान क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ई मोबिलिटी एवं ईवी चार्जिंग अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जितने मेगावाट के रेलवे पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो 850 मेगावाट कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल। अगला देखिए, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले किस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया था? तो हावड़ा कालका मेल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय में सुधार को लागू करने के मामले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर आ गया है? तो तेलंगाना। किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे? तो गोवा। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य
गिल्ड कनाडा तथा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा द्वारा हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया की उपस्थिति में प्रदान किया गया। अगला देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खी, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क का विकसित किया गया। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना, इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों को जागरूकता पैदा करना, परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना जिससे में प्रवास के लिए खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव शामिल है। अगला देखिए क्या है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया? तो शेखर कपूर को। अगला देखिए क्या है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन दो महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया? तो सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को। अगला देखिए क्या है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी के दुरुपयोग पर भारत में 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा का दंडनीय अपराध है? तो 5 साल। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां वर्चुअल माध्यम से किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला देखिए, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला दोस्तों, इंटरनेशनल था, यहाँ से शुरू हो गया आपका इंटरनेशनल। दोस्तों अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके, और ये बहुत जगह किताब नहीं पहुंचा है तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी मैं इसका पार्ट लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हूँगा। तो चलिए अगला देखिए क्या है, इंटरनेशनल है। 28 जनवरी 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किसकी बैठक को संबोधित किया? 28 जनवरी 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व आर्थिक फोरम की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया गया। इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान चर्चा करने के साथ साथ भारत के टीकाकरण अभियान, कोरोना महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण एवं भारत द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को कम करने संबंधी प्रयासों को रखा गया है। किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव में के विजेता के रूप में घोषित किया गया? तो युगांडा। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो 2। भारत और किस देश के मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इजराइल। हाल ही में किस देश में वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ईरान। एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? तो 23.1 करोड़ डॉलर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? तो वियतनाम। अगला देखिए क्या है, रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने 27 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ की संधि को 5 साल के लिए विस्तार की मंजूरी दी है? तो न्यू स्टार्ट, रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। जापान का स्पेसक्राफ्ट एरोस्ट्राइट क्या है? तो हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इसी खोज के लिए अंतरिक्ष में घूम रहे एक एस्ट्रॉइड पर जापान एक स्पेसक्राफ्ट भेजा। करीब 1 साल पहले उसने मिट्टी के नमूने और दूसरा डेटा लेकर लौट रहा, यह स्पेसक्राफ्ट अब धरती के पास पहुंच रहा है। उल्लेखनीय है कि हायबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एस्ट्रॉइड रग्यू से 1 साल पहले निकला था और जो 6 दिसंबर को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया। अगला देखिए क्या है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया? तो हांगकांग। विदित हो कि यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग को में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थकों आंदोलन को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। अगला देखिए, हाल ही में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की अंतिम पत्नी महारानी चिंदन कौर की बेशकीमती स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों का नीलामी कहां हुई? तो लंदन में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता किस देश के मध्यस्थता से हुआ? रूस। इथियोपिया में सरकार और किस संगठन के बीच गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए? तो ट्राइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट। चलिए इसको पलटते हैं, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्नोत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? तो 7.7%। 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में व्यक्त किया गया है? तो 3.5%।
2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात एवं आयात में क्रम से कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है? तो 5.8 और 11.3%। वर्ष 2020-21 के दौरान उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रम से कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है? 9.6 एवं 8.8%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 के अनुसार भारत किन देशों के साथ सर्वाधिक आयात करता है? तो देख लीजिए दोस्तों, ये बॉक्स में बना हुआ डेटा दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत किन देशों से सर्वाधिक निर्यात करता है? तो अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, उसके बाद चीन, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए दोस्तों, 2020-21 के दौरान दूसरी छमाही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो $586 बिलियन। देख लीजिए दोस्तों वीडियो पूरा, भी आकार का है। भारत का अर्थव्यवस्था का अनुमान होने का लगाया गया है। 2020-21 का मूलभूत विषय क्या? तो सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इधर देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट दिया गया है, ये भी प्रश्नोत्तर में कितना का बजट था? तो 29,29,929 करोड़ रुपए का। देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्षा मंत्रालय तो कुल कितने व्यय किएगा? तो 4,78,195 करोड़ रुपए। किस मद में कितना व्यवस्था किया गया है राशि का? देख लीजिए बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा।